ये शाम का समय कितना खूबसूरत समय है। दिन में दहकते अंगारों की तरह सूरज चमक रहा था। सांझ होते ही जैसे लगता है गोधूली बेला में बादलों ने क्षमा बांध दिया है। घर पे अमराई हो, ये मेरे घर का फोटो है, घर का वीडियो आप देख रहे हैं। घर पे अमराई हो, पंछी अटखेलियाँ खेल रहे हों और फले हुए आम निश्चित ही आपको बहुत बड़ा सुकून दे रहे होंगे। आप मोहब्बत की इस दुनिया का मजा लीजिए। आप इस तरफ भी देखिए, आम से लदे पड़े ये पेड़, पंछियों की आवाज़ जो कल्पना से परे है। गोधूली बेला में गौरैया, जबकि सब जगह खत्म हो गई है, मेरे आंगन में चहक रही है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और आपका आशीर्वाद। हम सोचते हैं जिंदगी ऐसे ही गुजरनी चाहिए, पेड़ पौधे हों, घर आंगन हो, पशु पंछी हों और उन सब के बीच हमारी ज़िंदगी गुज़र रही हो। निश्चित ही एक नई दुनिया का नजराना आपको मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आम, आंवला, पपीता भी है और झारखंड का मशहूर फल के भी पौधे लगे हुए हैं। इधर आप देखें, केला भी है और पपीते के पेड़ भी हैं। ये मीठा नीम भी है आपको खुशी देने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पंछियों की आवाज़, ये फल से लदे हुए पेड़ और उस पे झूलते हुए पंछी निश्चित ही आपको सुकून देते होंगे। शाम का समय, आप पंछियों की आवाज़ को सुनिए। आप अमराइयों में आम के इन फलों को देखिए, निश्चित ही आपको एक सुकून देते होंगे। ये सब घर के पौधे हैं, घर में लगे हैं, जो आपको ऑक्सीजन से लबरेज रखते हैं, कोरोना से दूर आपको रखने वाले ये पौधे हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि आम के फल ही नहीं, पत्ते भी कम गुणकारी नहीं हैं। और आपकी ज़िंदगी में नव चेतना, नव यूरिया भरने के लिए ये काफ़ी होते हैं। धन्यवाद।